गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं टिप्स एंड स्टाइल बाई संजना। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉल शेयर करूंगी। हाँ, कुछ दिन पहले मैं कुछ चीज ऑर्डर किया हूँ या कुछ चीज मैं परचेस किया हूँ जो कि है Amazon और purple.com से। सो कुछ चीज जो है उसी का ही आज मैं हॉल शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सी चीज मैं परचेस किया हूँ या प्रोडक्ट परचेस किया हूँ। सो बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, मैं कुछ इस तरह इस बॉक्स में मेरा सभी चीज है या सभी प्रोडक्ट इस बॉक्स में है, तो सारी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या और ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगी, डायरेक्टली वीडियो पे ही जाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के पास में जो छोटा सा बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख सके गाइज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले जो मैं पर्पल से परचेस किया हूँ मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ गाइज, और एक बात, अभी फिलहाल मेरा सबका जो प्राइस है उतना अच्छे से याद नहीं है, तो जिनका जिनका जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। सो गाइज, सबसे पहले जो मैं purple.com से परचेस किए हूँ जिन जिन प्रोडक्ट में, उन प्रोडक्ट को आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं जो लिया हूँ प्रोडक्ट वो है शुगर कॉस्मेटिक्स का एक प्रोडक्ट। शुगर कॉस्मेटिक्स का ये पैलेट जो है कॉन्टोर डी फेस पैलेट, तो इन द शेड 02 सटल सबमिट। तो इसका जो इनर पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग है कुछ इस तरह से, आपको इस तरह से खोलना है। इसको मुझे बहुत टाइम से लेना था गाइज, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मुझे चाहिए था कि ये पैलेट मेरे पास हो, तो इसलिए मैं इस टाइम इसको परचेस किया हूँ। सो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, आप देख सकते हो शुगर कॉस्मेटिक्स का ऑलमोस्ट प्रोडक्ट कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ तो बहुत खूबसूरत ये तीनों शेड, एक कॉन्टोर शेड आपको मिलता है एंड एक हाईलाइटर शेड, बीच में जो शेड है वो एक हाईलाइटर शेड एंड लास्टली यहाँ पे आपको मिलता है एक ब्लशर। सो इसके बारे में मैं छोटा सा एक रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा पैलेट ढूंढ रहे हैं कि वो बहुत ही पिगमेंटेड हो या आपका फेस पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड दिखे या बहुत ही प्रोमिनेंट रहे, बट ये उस तरह से पैलेट नहीं है गाइज, एकदम सटल आपको लुक प्रोवाइड करता है। इसका जो शेड नेम है सटल सबमिट, ये इसका ही काम करता है, एकदम नेचुरल। आप अगर कोई डेली बेसिस में आप कोई पैलेट ढूंढ रहे हो तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। मुझे इसका जो हाइलाइटर शेड है मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम नेचुरल लगता है। तो अगर कोई आप नेचुरल एक पैलेट ढूंढ रहे हो तो आप इसको आंख बंद करके परचेस कर सको, ये आपको एकदम नेचुरल और इवन लुक प्रोवाइड करता है। और ड्रामेटिक अगर चाहो तो इसको आप मत परचेस करो गाइज, तो ये बहुत ही ड्रामेटिक या बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। तो इवन लुक या सेटल एक लुक के लिए ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट ड्रामेटिक के लिए आप दूसरे कोई पैलेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन इसमें नहीं। सो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं purple.com से मैं परचेस किया हूँ। सो और इसका जो प्राइस है वो स्क्रीन पे मेंशन मैं कर दूं, और सारी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है मैं जिन प्राइस से इसको परचेस किया हूँ सारी प्राइस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन पे भी सारी के सारी प्रोडक्ट की लिंक, और वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना एक बार। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेबेलिन का फिट मी मैट पोरलेस पाउडर। सो ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत ही अच्छा है। तो और इन द शेड, इनमें से मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ। तो इसका ये है आउटर पैकेजिंग, और इनर पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे इसका जो पैकेजिंग है ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये था सेकेंड मेरा परचेस जो मैं पर्पल से परचेस किया। सो इसका जो प्राइस है गाइज वो है 199, बट इसको मैं ऑफर में खरीदी थी तो काफी ऑफर था, काफी डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट प्राइस क्या है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और ये था प्रोडक्ट, और इस पे आपको इस तरह से ओपन करने के वक्त यहाँ पर एक आपको मिरर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक मिरर आपको मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो पफ है उसको भी मिल जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट। सो मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ। तो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है अफोर्डेबल रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा है। तो ये था मेरा सेकंड परचेस। तो सो थर्ड जो प्रोडक्ट है वो भी मेबेलिन का है और बहुत ही फेमस है, तो वो है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। सो इन द शेड 230 नेचुरल बफ, तो आप देख ही सकते हो। और ये इसका जो मिनी साइज है ट्यूब में, इसका बड़े में भी बड़े साइज भी अवेलेबल है, तो मैं छोटू साइज ट्राई किया हूँ अभी। मेरे पास इसका और भी एक शेड है जो था 310 सन बेज, तो वो भी मेरा शेड से मिलता है और ये भी मेरा शेड से मिलता है। अभी मैं इसको परचेस किया हूँ और ये फाउंडेशन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस था वो है 299, पर इसको भी मैं डिस्काउंट में मैं खरीदी हूँ तो इस पर भी डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट प्राइस क्या है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो ये गया मेरा थर्ड प्रोडक्ट।
सो नेक्स्ट मैं परचेस किया हूँ जो वो है एनवाई बे का ये काजल। हाँ, ये था एनवाई बे का ये कोल काजल जो है व्हाइट कलर में। तो मुझे एक व्हाइट कलर की काजल चाहिए था, तो मैं सोचा कि व्हाइट कलर काजल मैं इस एनवाई बे का मैं ट्राई करूँ, तो मैं इसको ट्राई किया हूँ। बट इसका जो काजल अच्छा है, बट आप देख सकते हो गाइस, ये जो काजल है ना बहुत ही इसमें शिमरी पार्टिकल्स है। अगर आपको इसको एज अ आई शेडो की तरह, आप कोई ग्लिटर आई शेडो की तरह आप इस आईज पे अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और आपका जो लोअर लैश लाइन है या आपका जो वाटर लाइन है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से या अच्छे से ये अप्लाई नहीं होता है, थोड़ा आपका कुछ क्या बोलूं अच्छे से नहीं अप्लाई होता है। तो मुझे इसलिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप आई शेडो के लिए यूज करते हो तो अच्छा है, और अगर आप लोअर लाइन पे आप इसको वाटर लाइन पे अप्लाई करते हो एज अ काजल की तरह तो उतना भी अच्छा ये काम नहीं करता है। फिर भी इसको मैं ट्राई करूंगी एंड मैं यूज भी करूंगी। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है स्टे क्वार्की की। सो ये है स्टे क्वार्की की बैडस आईलाइनर। तो इस आईलाइनर को भी मुझे बहुत दिनों से लेना था, बहुत दिनों से। सो ये जो आईलाइनर है इसके बारे में मैं बहुत सुनी हूँ, बहुत रिव्यू देखी हूँ, उसके बाद मुझे था कि ना मैं इस आईलाइनर को एक बार मैं ट्राई करूँ, तो इसलिए मैं इस बार इस आईलाइनर को मैं ले ही लिया हूँ। सो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है एंड इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखने में इसका मिलता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये दिखने में मिलता है। तो इसका जो आउटर पैकेजिंग की बात करो, ये प्रोडक्ट इतना सा है पर इसका जो कैप है ये इतना बड़ा है, और ये बड़ा होने के कारण आपको बहुत ही आसानी से आप जब लाइनर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको होल्ड करके आप लाइनर को अप्लाई कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस आईलाइनर की। और इसका जो टिप है गाइस, इसका जो टिप है सबसे अच्छा जो इसका बात है वो है इसका टिप, क्योंकि ये इसका जो टिप है आपका जो स्केच लाइनर का जिस तरह से आपका टिप जो आता है वो एकदम सेम टू सेम इसका भी टिप वही है। आपका जो विंग लाइनर ये बहुत ही अच्छे से ये अप्लाई होता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और हाँ, ये आपको क्लेम तो करता है ये वाटर प्रूफ, बट हाँ ये वाटर प्रूफ है बट काफी समय के बाद ये भी उतर जाता है, तो बट अच्छा है। इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप अप्लाई करने के बाद आपको एक मैट फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, और इसका जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो या नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था ये, और इसका भी प्राइस आई थिंक है 199, बट इसको भी मैं डिस्काउंट में परचेस किया हूँ। क्या होता है पर्पल पे हर टाइम या हर वक्त आपको कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है, तो आप डेफिनेटली आप पर्पल से एक बार चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको भी बहुत ही डिस्काउंट से आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला था, जो प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये गया मेरा जो कौन सी प्रोडक्ट, थर्ड या फोर्थ जो भी है, ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो उसके बाद में लिए हूँ ये एनवाई बे का ये कंसीलर, और इनमें से जो मेरा शेड है वो है कॉफी पिट्जल 5। तो ये भी मुझे अफोर्डेबल रेंज के अंदर मैं ट्राई करना था, क्योंकि इसका जो कंसीलर है ना बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है समथिंग इसका प्राइस है आपको 195 रुपीज, बट स्टिल आपको ये भी ऑफर या डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, और ये मुझे डिस्काउंट में बहुत ही सस्ता में मिला है, तो इसलिए मैं इसको परचेस किया हूँ ट्राई करने के लिए। तो मुझे ये जो मैं ट्राई भी किया हूँ और इसका जो फिनिश है या इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है। मैं मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैं यूज किया हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका जो इनर पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेट में आता है, और इनर जो पैकेजिंग है एकदम ट्रांसपेरेंट एक बॉटल है इसका, कोई भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कैप पे यहाँ पे एनवाई बे लिखा हुआ है। तो इसका पैकेजिंग ऑलमोस्ट है, और यहाँ पे इसका जो शेड नेम वगैरह दिया हुआ है, और मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये था मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो ये लिया था तो मुझे ये भी काफी अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है आज वो है ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ये काजल। ये है आपका कोल ऑफ द ऑनर इंस्टेंट काजल, और मेरा शेड है 01 ब्लैकआउट। तो इसका जो पैकेजिंग है मैं आपको शेयर कर देती दिखा देती हूँ। सो इसका कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव्ड हुई है एंड इसके अंदर प्रोडक्ट है। इसका जो प्रोडक्ट है या इसका जो काजल का जो पैकेजिंग है ना पूरा मैट एक फिनिश है, मैट आप चाहो तो देख सकते हो। इसका जो पैकेजिंग है पूरा मैटिफाइंग एक पैकेजिंग है। तो ये जो काजल है इसको भी मैं ट्राई किया हूँ, और ये काजल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है,
और ये एकदम जेड ब्लैक है और इसका जो प्राइस था 249। तो ये गया मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं पर्पल से परचेस किया हूँ। सो अब लास्ट जो पर्पल से मैं परचेस किया था वो है ये एल्प्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर। सो ये जो टोनर है ये एल्प्स गुडनेस का है और ये इसका छोटा साइज है आई गेस। मुझे एल्प्स गुडनेस का ये क्यूकम्बर टोनर इसको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो रोज टोनर था उसको भी मैं यूज किया हूँ एंड इसका जो आई थिंक टी ट्री वाला भी मैं यूज किया हूँ एंड ये जो क्यूकम्बर है इसका जो फ्रेग्रेंस है एकदम रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए इसको अप्लाई करने के बाद ना कुछ देर के लिए मैं एकदम शांत हो जाती हूँ क्योंकि इसका जो मैं फील करती हूँ इसका जो स्मेल है वो मैं फील करती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट मैं इसको बहुत ही खत्म भी कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो इतना मैं खत्म कर चुकी हूँ इसको। मैं इतना 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 ज्यादा मैं पसंद करती हूँ। सो ये था purple.com से मैं जो परचेस किया था जो भी प्रोडक्ट ये लास्ट। सो purple.com से मैं बस इतना ही प्रोडक्ट मैं परचेस किया था और ये था उसका लास्ट वाला प्रोडक्ट। सो अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो है अमेजन से मैं जो जो प्रोडक्ट मैं परचेस किया हूँ। सो अमेजन से जो भी प्रोडक्ट मैं परचेस किया हूँ तो उसको मैं आप लोग शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट वन गाइज ये है और ये प्रोडक्ट में बात करूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा है ना। तो मैं जब इसको परचेस किया था या परचेस करने के लिए सोच रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये है बेसिकली आपका जो हीट लेस आपको कर्ल प्रोवाइड करता है और इसका जो पीस है ना 10 इसका 10 पीस आपको मिलेगा। सो ये आपको हीट लेस एक कर्ल प्रोवाइड करेगा। और इसका अगर आप रिव्यू चाहते हो कि ये किस तरह से यूज किया जाता है या इसका जो वर्क एक कैसा वर्क करता है या इसका जो फिनिशिंग है कैसा आता है तो ये अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी या रिव्यू शेयर करूंगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये जो हीटलेस कर्लर है या कर्लर रॉड है जो भी है पाइप है तो इसका अगर आप रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को शेयर करूंगी कि इसका वर्क ये कैसा करता है और ये काम करता है किस तरह से। सो मैं शेयर करूंगी और इसका जो प्राइस था बहुत ही चीप प्राइस है इसका। आपको 10 पीस आपको आई थिंक 179 या 200 के अंदर है तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो 200 के अंदर आपको ये मिल जाता है 10 पीसेस तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना गाइस। सो ये था मेरा अमेजन परचेस में फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद में अमेजन से लिया हूँ एक पैलेट जो है आई शेडो पैलेट जो है वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट और इन द शेड रोज इन द एयर। सो इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 799 का है बट ये मुझे बहुत बहुत सबसे ये हॉल में से जो अगर कोई सबसे ज्यादा डिस्काउंट में मुझे मिला है वो है ये क्योंकि इसका यहाँ पे तो प्राइस लिखा हुआ है 799 मतलब आपका 1 रुपए कम 800 रुपीज बट नहीं मुझे ये मिला है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज। और ये था आज का जो मेरा हॉल है ना ये हॉल की जो सारा प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट में से जो सबसे ज्यादा मुझे डिस्काउंट मिला है वो है ये क्योंकि इसका जो प्राइस है वो इतना लिखा हुआ है बट मुझे ये ऑफर में 299 में मिल गया है। अगर ये ऑफर अभी भी स्टिल है तो मैं लिंक दे दूंगी आप भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा डील है और वेट एंड वाइल्ड का जो पैलेट है आप सभी जानते हैं इसका जो पिगमेंटेशन है या इसका जो सारे का ऑल शेड आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं गाइज। सो ये था मेरा जो अमेजोन से परचेस करते हुए सेकेंड। सो गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पे अमेजोन से जो परचेस किया वो है इनसाइड लिक्विड लिपस्टिक है। मैं उस लिपस्टिक को मैं ऑर्डर किया हुआ हाँ वो बहुत ही ज्यादा शेड में ऑर्डर किया हुआ। सो आप देख ही सकते हो मैं इतना शेड में अभी ऑर्डर किया हूँ 6 शेड इसका जो 6 शेड है मैं ऑर्डर किया हूँ अमेजोन से क्योंकि इसको मैं जब देखी हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस ये बहुत ही अफोर्डेबल है ठीक है एंड सेकेंड जो चीज है गाइज इसका सब की सब जो शेड है इतना अच्छा है इतना सुंदर है कि मुझे रहा नहीं गया मैं 6 शेड में ऑर्डर कर दिया हूँ एंड मैं परचेस कर लिया और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हाँ गाइज मेरा चैनल पे ये जो 6 शेड है उसका स्वाचेस एंड रिव्यूज है तो आप चाहो तो आप देख सकते हो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो इसका सारे के सारे जो शेड है उसका स्वाचेस एंड रिव्यू। सो ये था मेरा जो अमेजोन से नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ये था।
वो है ये लिपस्टिक, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। और इसका प्राइस है 75 रुपीज में मैं इसको परचेस किया था एंड इसका प्राइस आई थिंक 81 रुपीज है। बहुत ही अफोर्डेबल, अंडर 100 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाता है, बहुत बहुत ही अफोर्डेबल है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट मैं अमेजन से ये ब्रश की जो सेट है मैं उसको परचेस किया था। और ये जो ब्रश है ना, ये 10 पीस है इसका, और ये 10 पीस सारे के सारे ये आई ब्रश या इनमें से कोई आपका फेस ब्रश आपको नहीं मिलेगा, या पाउडर ब्रश लाइक फाउंडेशन ब्रश इस तरह का कोई भी ब्रश आपको नहीं मिलेगा। सो इनमें से आपको ज्यादातर से आपको आई ब्रशेस ही आपको मिलता है, फेस ब्रश आपको नहीं मिलता है। और ये जो ब्रश था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, सो इसको भी मैं परचेस किया हूँ। एंड इसका जो प्राइस है वो एकदम याद नहीं है, समथिंग 500 के आसपास इसका जो प्राइस था, तो मुझे अभी इसका प्राइस नहीं याद है। और इसका जो प्राइस है उस स्क्रीन पे मैं दे दूंगी। तो इसका जो ब्रश की बात करूँ, इस जो ब्रश की जो शेड है, इस ब्रश के शेड में आपको हर तरह का आई ब्रश आपको मिल जाएगा, एंगल ब्रश या स्मॉल साइज आपको ब्लेंडिंग ब्रश। और हाँ, थोड़ा ये गंदा है क्योंकि मैं इसको यूज किया हूँ तो इसलिए थोड़ा गंदा है गाइज। सो इसमें आपको मिलता है ब्लेंडिंग ब्रश एंड थोड़ा बड़ा साइज का जो ब्लेंडिंग ब्रश है, सभी के सभी आपको ब्रशेस मिल जाता है। छोटू सा एंगल ब्रश भी आपको मिल जाता है, इनर कॉर्नर पे अगर आपको कोई भी कुछ अप्लाई करना है तो आप इसकी मदद से अप्लाई करते हो, या आपका लोअर लाइन पे कुछ ब्लेंड करना है या स्मज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप इस ब्रश का भी एक रिव्यू चाहते हो, या मैं इस ब्रश की एक रिव्यू दूँ आपको लोगों को, तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप चाहते हो तो। सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है अमेजन से, मैं ये स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर को मैं परचेस किया हूँ। सो इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो मेरे से गुम हो गया है, तो या मेरे पास अभी इसका आउटर पैकेजिंग नहीं है, तो मैं इसको भी मैं परचेस किया था अमेजन से, जो है स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर। तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, इसका प्राइस भी मुझे अभी याद नहीं है, 250 या 270 के आसपास था, मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं दे दूंगी स्क्रीन पे इसका प्राइस एक्चुअल जो है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अफोर्डेबल है तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, और ये वर्क भी बहुत ही अच्छे से करता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो गाइस। तो ये था मेरा अमेजन से लास्ट प्रोडक्ट जो मैं परचेस किया हूँ। और हाँ गाइस, पर्पल से और एक चीज मैं परचेस किया हूँ जो मैं एकदम भूल गई थी या मेरे से मिस हो गया था, सो वो है ये NYBA का फाउंडेशन स्टिक या कंट्रोल स्टिक या कलर करेक्टर स्टिक, आप जो भी कहो, इसका बहुत सारा शेड आपको मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे मेरा जो शेड है ना वो है कैरमल 4, तो ये एकदम मैं एज अ फाउंडेशन के लिए यूज करती हूँ, और ये शेड है एकदम मेरे स्किन टोन से मैच करता है। तो इनमें से आपको बहुत सारा शेड आपको मिल जाएगा, और ये बहुत ही सस्ता है, ये आई थिंक मुझे 95 या 99 इस तरह से कुछ मुझे मिला था, अभी मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी। एंड इसका बहुत सारा शेड है, जैसे कि ग्रीन कलर की आप शेड है, ऑरेंज कलर करेक्टर है, ग्रीन कलर करेक्टर है मैं बोली हूँ अभी, एंड इसके साथ साथ कंटूर भी है। और हाँ, कंसीलर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, एज अ फाउंडेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, तो ये हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल में से। तो आज का जो वीडियो है या आज का जो प्रोडक्ट है, मैं सभी प्रोडक्ट आप लोगों ने शेयर कर दिया हूँ। सो गाइज, आज का जो हॉल है वो यही है, तो आज का हॉल में से जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोग शेयर किया हूँ, तो उन प्रोडक्ट में से अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यू आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली मैं उसका रिव्यू आप लोगों को शेयर करूंगी। बट आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट का आपका रिव्यू चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी। सो आज का जो हॉल है वो यहीं पे खत्म होता है, और आई होप यू ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके भी बताना गाइस कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आप लोगों के जो सुंदर सुंदर जो कमेंट है ना, वो पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और हाँ गाइज, आप लोगों के थोड़ा प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरी है, तो प्लीज गाइज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो, तो ऑब्वियसली बेल बटन को भी हिट कर देना। सो आज के वीडियो गाइज इतने तक ही, नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, एंड खुद का ख्याल रखना और घर पर रहना गाइज। बाय बाय।